फौजी का फौलाद सीना सितम हजारों सह जाए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद आजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता जोगिंदर सैली साहब की। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है मोहम्मद आजीज साहब ने जोगिंदर सैली साहब कई ऐसे निर्देशित फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अभिनेता जोगिंदर सैली साहब के उन निर्देशित फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन फिल्मों में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद आजीज साहब ने बहुत अपनी बेहतरीन आवाज में अपनी आवाज दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताके जन्नत के फरिश्ते झुककर तुझको करें सलाम। और वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड की बस दो ही फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद आजीज साहब ने जोगिंदर सैली साहब के निर्देशित फिल्मों में अपनी आवाज दी है। और हमारे पहले नंबर पे है 1994 की फिल्म गंगा और रंगा। और इस फिल्म में मोहम्मद आजीज साहब ने बस एक ही गीत गाया और गीत के बोल हैं इधर भी अल्लाह उधर भी अल्लाह। और यह गीत जो है वो पिक्चराइज हुआ शक्ति कपूर साहब पर। और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को मोहम्मद आजीज साहब ने सोनिक उमी साहब के संगीत पर अपनी आवाज दी और इस गीत को 90 के दशक में काफी ज्यादा पसंद किया गया। इधर भी अल्लाह उधर भी अल्लाह मशरिक अल्लाह मगरिब अल्लाह। और इस फिल्म के साथ ही आप लोगों को 1996 की फिल्म हिंद की बेटी तो याद होगा। और इस फिल्म का निर्देशक जोगिंदर सैली साहब ही थे। और इस फिल्म में भी मोहम्मद आजीज साहब ने जोगिंदर सैली साहब के निर्देशित में एक गीत गाया और गीत के बोल हैं फौजी का फौलाद है सीना। ये एक देशभक्ति गीत है और इस बहुत ही बेहतरीन देशभक्ति गीत को मोहम्मद आजीज साहब, कविता कृष्ण मूर्ति जी और कुमार सोनिक साहब ने अपनी आवाज दी। और दोस्तों इस गीत को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। इष्ट जिंदा रह जाए फौजी का फौलाद है सीना। तो दोस्तों जोगिंदर सैली साहब की ये दो निर्देशित फिल्में हैं जिनमें बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद आजीज साहब ने इन दोनों गीतों को अपनी आवाज दी है और इन दोनों गीतों को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मोहम्मद आजीज साहब ने जोगिंदर सैली साहब के निर्देशित फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। तो दोस्तों आप लोगों को ये दोनों ही फिल्मों का गीत जो है वो हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद आजीज साहब के बहुत ही दिलकश आवाज में कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।